लूसिफर। यह नाम सुनते ही रूह कांप उठती है, मानो बगावत और पतन की कोई कहानी कह रहा हो। एक वक्त था जब वह सबसे शानदार फरिश्ता था, दैवीय और सबका लाडला। वह था प्रकाश पुंज, अद्भुत सुंदरता और बुद्धि का धनी। वह भगवान के दाहिने खड़ा होता था, उसकी मौजूदगी ही ईश्वरीय कृपा का प्रमाण थी। लेकिन इस दिव्यता में अंधकार का एक धागा भी बुना गया था। यह एक त्रासदी है, अहंकार और आजादी की चाहत से भरी पतन की कहानी। यह एक गाथा है जो सदियों से गूंज रही है, मोहित और भयावह दोनों ही रूपों में। समय की शुरुआत से पहले, जब घड़ी की सुइयां भी नहीं बनी थीं, सृष्टि की पहली फुसफुसाहट से पहले, जब ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं था, सिर्फ भगवान थे, और उनकी इस असीम शक्ति से फरिश्ते पैदा हुए। ये फरिश्ते प्रकाश के शुद्धतम रूप थे। लूसिफर इन दिव्य प्राणियों में से सबसे तेज, प्रकाश और ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरा। उसकी उपस्थिति में एक अद्वितीय आभा थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके पंख इतने विशाल थे कि पूरा आसमान ढक लेते थे, और उनकी छाया में भी प्रकाश की किरणें चमकती थीं, और उनमें एक अलौकिक चमक होती थी जो किसी भी अन्य फरिश्ते से अलग थी। ज्ञान और समझ से भरा उसका दिमाग बाकियों से कहीं आगे था। वह हर रहस्य को समझने की क्षमता रखता था। उसे सबसे पवित्र कर्तव्यों का भार सौंपा गया था, और वह उन्हें पूरी निष्ठा से निभाता था। उसकी आवाज में ईश्वरीय इच्छा गूंजती थी, और हर शब्द में दिव्यता की शक्ति होती थी। फरिश्ते उसके करिश्मे और प्रतिभा से खींचे चले आते थे। वे उसकी हर बात को ध्यान से सुनते थे। सचमुच लूसिफर भोर का तारा था, दिव्य पूर्णता का प्रतीक। उसकी चमक से स्वर्ग का हर कोना रोशन हो जाता था। लेकिन स्वर्ग में भी असंतोष की फुसफुसाहट जड़ें जमा सकती है। जैसे ही लूसिफर ने सृष्टि को देखा, उसके मन में संदेह की एक चिंगारी भड़क उठी। उसने मनुष्य की रचना देखी थी, मिट्टी से बने प्राणी जिन्हें धरती पर राज करने का अधिकार दिया गया था। क्या यह फरिश्तों, जो शुद्ध और शक्तिशाली थे, का अपमान नहीं था? चालाक और प्राचीन सर्प ने इस बढ़ते असंतोष को भांप लिया। उसने लूसिफर के दिल में फुसफुसाया, संदेह के बीजों को विद्रोह में बदल दिया। एक वफादार फरिश्ता के अंदर अहंकार एक जहरीले फूल की तरह खिलने लगा। लूसिफर के विरोध से स्वर्ग की शांति भंग हो गई। उसने अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया। फरिश्ते उसकी वाकपटुता और आत्मनिर्णय के नशे में धुत हो गए। एक तिहाई स्वर्गीय सेना उसके साथ होली। उनकी आवाजें विद्रोह के स्वर में गूंज उठी। स्वर्ग कांप उठा जब युद्ध शुरू हुआ। भगवान के प्रति वफादार फरिश्ते, शक्तिशाली महादूत माइकल के नेतृत्व में लूसिफर के विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार थे। प्रकाश की तलवारें आस्था की ढालों से टकराईं। इस दिव्य युद्ध के भार तले सृष्टि का अस्तित्व ही दांव पर लग गया। फिर भी लूसिफर का विद्रोह शुरू से ही नष्ट होने के लिए था। उसने भगवान की शक्ति और उनके सच्चे फरिश्तों की अटूट वफादारी को कम आंका था। हार कर और टूट कर लूसिफर और उसके अनुयायियों को स्वर्ग से निकाल दिया गया। वे आकाश से नीचे गिरे, उनके कभी चमकदार पंख आग की लपटों में घिर गए, उनकी चीखें पाताल में समा गईं, और इस तरह प्रकाश पुंज ने सिर्फ अंधेरा देखा। वह कृपा से वंचित हो गया, उसका नाम हमेशा के लिए कलंकित हो गया। उसके पतन का गड्ढा उसका नया घर बन गया। घायल लेकिन अडिग लूसिफर ने अपने निर्वासन को स्वीकार कर लिया। उसने अपना दिव्य रूप त्याग दिया। उसकी हार के दर्द ने उसे नया रूप दे दिया। वह शैतान बन गया, दुश्मन, असीम शक्ति और अथाह क्रोध का देवता। कभी चमकदार पंख अब चमगादड़ जैसे और छायादार थे। उसकी आवाज जो कभी मधुर थी, अब नरक की आग से गरजती थी। उसके आसपास गिरे हुए फरिश्ते विकृत और पीड़ित उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। वह उनका राजा था, इस नारकीय दुनिया का निर्विवाद शासक। एक साम्राज्य का निर्माण नरक की गहराई
यातना और आग। यह वह स्थान है जहां आत्माएं अनंत पीड़ा में जलती हैं और जहां हर कोने में अंधकार और भय व्याप्त है। शैतान के क्रूर शासन में नरक एक उजाड़ खाई से निराशा के साम्राज्य में बदल गया। यहां कोई आशा नहीं, केवल अनंत यातना और अंधकार है। उसकी ज्वलंत गहराइयां शापित लोगों की चीखों से गूंज उठी, जो दुखों पर शैतान के प्रभुत्व का प्रमाण थी। हर चीख, हर आह उसकी शक्ति और क्रूरता का प्रतीक थी। वह उनकी पीड़ा में आनंद लेता था। उसका दिल करुणा की किसी भी भावना के लिए कठोर हो गया था। उसकी निर्दयता ने नरक को और भी भयावह बना दिया। उसने ऑब्सीडियन और हड्डियों से बना एक महल बनवाया, जो उसके गिरे हुए वैभव का प्रतीक था। यह महल उसकी शक्ति और आतंक का केंद्र था। अपने सिंहासन से उसने अपने राज्य का सर्वेक्षण किया। उसकी निगाहें ठंडी और गणनात्मक थीं। उसकी दृष्टि में कोई दया नहीं थी, केवल नियंत्रण और शक्ति की लालसा थी। उसने लोहे के हाथ से शासन किया। उसकी इच्छा ही सब कुछ थी। उसका प्रतिशोध असीम था। उसकी क्रूरता ने नरक को और भी भयावह बना दिया, जहां कोई भी आत्मा सुरक्षित नहीं थी। फिर भी शैतान की महत्वाकांक्षा नरक की सीमाओं से परे थी। उसने ईर्ष्या और घृणा के मिश्रण के साथ भगवान की नवीनतम रचना मानव जाति को देखा। उसने उनमें अपने ही पतन का प्रतिबिंब देखा। ऐसे जीव जो महान अच्छाई और भयानक बुराई दोनों में सक्षम थे। उसने भगवान की रचना को भ्रष्ट करने की कसम खाई, यह साबित करने के लिए कि मानवता ईश्वरीय कृपा के योग्य नहीं थी, और इसलिए उसने एक बार फिर सर्प का रूप धारण किया। प्रलोभनों को फुसफुसाते हुए, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए और उनके दिलों में कलह के बीज बोते हुए, यह एक ऐसा युद्ध था जो समय की शुरुआत से ही चल रहा था। अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई जारी रही, एक ब्रह्मांडीय संघर्ष जो सहस्राब्दियों तक फैला हुआ था। यह युद्ध केवल भौतिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी लड़ा गया था। शैतान, हमेशा चालाक रणनीतिकार, ने स्वर्ग के डिजाइनों को कमजोर करने के लिए विस्तृत योजनाओं की परिकल्पना की। उसकी हर योजना में एक गहरी चालाकी और धूर्तता छिपी हुई थी। उसने संतों को लुभाया, विपत्तियों को फैलाया और वफादार लोगों के दिलों में संदेह के बीज बोए। उसकी चालें इतनी सूक्ष्म थीं कि कई बार लोग समझ ही नहीं पाते थे कि वे उसके जाल में फंस चुके हैं। भगवान के खिलाफ उसका युद्ध शतरंज का एक खेल था, जो आकाशीय पैमाने पर खेला जाता था, जिसमें मानवता की आत्माएं अधर में लटकी हुई थीं। यह एक ऐसा खेल था जिसमें हर चाल का गहरा प्रभाव होता था। हर जीत, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ने उसके क्रोध को भड़काया। उसे और भी अधिक दुस्साहसी और कपटी योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रेरित किया। उसकी महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती थीं, और हर हार उसे और भी अधिक क्रूर बना देती थी। लूसिफर, शैतान, प्रकाशपुंज, दुश्मन, उसकी कहानी विरोधाभासों से बुनी गई एक कहानी है, जो सृजन की जटिलताओं का प्रमाण है। क्या वह एक नेक इरादे वाला विद्रोही था, या अपनी ही महत्वाकांक्षा से भस्म एक अभिमानी प्राणी? इसका उत्तर शायद कहीं छाया में है, समय बीतने और आकाशीय युद्धों की गूंज से खो गया है। उसकी विरासत बनी हुई है, जो अनुग्रह की नाजुकता और अंधेरे की मोहक शक्ति की एक भयावह याद दिलाती है। वह गिरा हुआ देवदूत है, जो हमेशा के लिए मानवता के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी कहानी सदियों से फुसफुसाई गई एक सतर्क कहानी है। Lately I was feeling like I